नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है नए यूट्यूबर्स के लिए और इसमें हम बताने जा रहे हैं कि आपके यूट्यूब चैनल को आपके बैंक अकाउंट से कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब अकाउंट को बैंक अकाउंट से जोड़ने से पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल को जोड़ना होता है गूगल एडसेंस से, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे करते हैं तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में दिया हुआ है। हमारे चैनल पर ये वीडियो है, माई स्मार्ट सपोर्ट के चैनल पर ये वीडियो है, बिगिनर्स गाइड फॉर यूट्यूब चैनल। इसमें सब कुछ बताया हुआ है, कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे यूट्यूब अकाउंट बनाते हैं, कैसे कन्फिगर करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं और कैसे मोनिटाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे लिंक करते हैं एडसेंस अकाउंट से, सब कुछ बताया हुआ है इसमें। आप यहाँ ये वीडियो वॉच कर लीजिए, ठीक है। आप ये वॉच करने के बाद आप इसके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो आप देखिए, ठीक है, जब आपका एडसन अकाउंट बन जाएगा तो आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी डस्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर लॉगिन करने के बाद आप जाइएगा पेमेंट पे, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट सेटिंग्स पे, ठीक है। पेमेंट सेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा ऑप्शन आएगा, ऐड ए न्यू पेमेंट मेथड, ठीक है। तो पहले जो है चेक से पेमेंट होता था, अब जो है डायरेक्ट वायर ट्रांसफ़र से पेमेंट होता है, जिससे कि पेमेंट जो है विद इन 24 to 48 hours के अंदर आ जाता है। आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम डालना होगा, ठीक है, पे नेम, यानी आपका बिल्कुल वही नाम जो कि बैंक अकाउंट में हुबहू है, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ बैंक का नाम जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, उसी बैंक का आपके ब्रांच का IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, IFSC code bank.com पे आप अपना वहाँ जो है सपोज कर लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है आपका, फिर उसके बाद फिर उसमें आप सेलेक्ट कीजिए कि स्टेट में है, स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है तो उससे फिर आएगा सेलेक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर उसमें और ब्रांच है तो जो ब्रांच है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वो दिखा देगा एड्रेस के साथ आपका सारा डिटेल्स उस ब्रांच का। तो आप देख सकते हैं IFSC कोड इस ब्रांच का ये हो गया, इस ब्रांच का, तो ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, IFSC कोड के अंदर। अब दूसरा चीज़ होता है स्विफ्ट BIC कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग भी है। देखिए, ये इसका ज़रूरत होता है करेंसी कन्वर्शन में, ठीक है। ये हर बैंक के ब्रांच के पास नहीं होता है। अगर आपका ब्रांच कोई छोटे शहर में है या फिर गांव में है अकाउंट, तो उसका स्विफ्ट कोड नहीं होता है, ठीक है। इसकी जगह पर आपको किसका डालना होगा बता देते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक छोटे शहर में बिदर में है, मान लीजिए बिदर या गुलबर्गा में, मान लीजिए कर्नाटक का एक शहर है बिदर, तो वहाँ पर नहीं है उस बैंक में, मेरा अकाउंट उसी बैंक में है और वहाँ पर नहीं है। तो हमने क्या किया कि स्टेट बैंक का साइट खोला, ये है उसमें स्विफ्ट कोड एनेबल ब्रांचेस दिया हुआ इंडिया में, तो हम उसी स्टेट के कैपिटल सिटी के या फिर आसपास किसी का भी आप स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बेंगलोर का, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज़ कर, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप उसी स्टेट का, किसी भी ब्रांच का, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप प्रेफर कीजिएगा कि कैपिटल सिटी का हो, प्रोसेसिंग फास्ट होता है थोड़ा, ठीक है, और मेन ब्रांच हो तो और ज़्यादा, तो उसका स्विफ्ट कोड आप यूज़ कर लीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही आपको स्विफ्ट कोड यूज़ करना है। अगर आपका HDFC में है तो HDFC का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा स्विफ्ट कोड के लिए। और भी एक साइट है जिसमें आपको सारे बैंक का स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बस यहाँ डालिए आपका अकाउंट नंबर, डालिए, रिपीट कीजिए यहाँ पे अकाउंट नंबर, और यहाँ पे कुछ नहीं डालना है आपको। उसके बाद सेव कर दीजिए, बस आपको दिखाने लगेगा यहाँ पे कि आपका जो है पेमेंट मेथड ऐड हो गया है वायर ट्रांसफ़र के थ्रू, और ऑटोमेटिकली जब 21 तारीख को आपका $100 अगर कम्प्लीट है तो 21 तारीख को आपका जो है पेमेंट हर महीने को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के विद इन 48 आवर्स पैसे आ जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग,
और कुछ अगर सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। थैंक यू।